अगली खबर डिंडौरी से आ रही है, जहां पेयजल का संकट झेल रहे ग्रामीणों का सब्र का बांध टूटा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने मेहंदवानी विकासखंड मुख्यालय के पास चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले कई महीनों से नल जल योजना के तहत उनके घरों तक पानी की सप्लाई बाधित है। शिकायत के बाद भी किसी ने मामले पर संज्ञान नहीं लिया। वे पहले भी सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, जिसका कोई भी परिणाम नहीं निकल सका है। वहीं अब प्रशासन ग्रामीणों को समझाने में जुटा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि महिलाएं प्लास्टिक के डिब्बे लेकर सड़क में बैठी नजर आ रही हैं। सड़क जाम होने से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। गाड़ी आए सबसे पहले आदमी लड़े थे तैयार एक एक दो दो हम जो है वो आवेदन रास्ता मकान कब बनाया जाता है उन्होंने क्या किया है एक झूठ के पीछे 20 झूठ बोलना पड़ता है, इसलिए जो बात सत्य है डायरेक्ट सत्य बोल दो, क्या दिक्कत है? नहीं गए, हम नहीं गए, नहीं गए। अब सुनो, यही तो गलती हुई, पता क्या कर रहा था? बस जाना था, कितने लोग बैठे और अभी जाना था। जटिल समस्या है, 6 महीने से नल जल की व्यवस्था बंद है और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर से लोग पानी लेके आते हैं। एक कुआ था तो कुआ में जो है बिल्ली मर गई, उसका जो है पानी भर फेंकवा दिए, उसकी बाकायदा पूरी सफाई नहीं हुई। 6 महीने हो गया नल जल बंद हुए। आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन रोड जाम किया गया, आज चक्का जाम किया गया है। माननीय कलेक्टर महोदय को आवेदन देने के बाद चक्का जाम किया गया है। हाँ, पानी की समस्या है। कलेक्टर साहब को आवेदन दिए थे 12 तारीख को, तो उन्होंने बोला कि पीएचक्यूपी यंत्री को सुप्रिया को कि जो है 2 दिवस के अंदर में इनकी व्यवस्था करिए, और वो जो है 12 तारीख के बाद आज 18 तारीख हो गए, आज भी कोई व्यवस्था नहीं है। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए, के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए। समदड़िया आभूषण, समदड़िया